आदाब सत श्री अकाल नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है गुरप्रीत। तो अज मैं मौजूद हाँ हुशियारपुर जिले के पेंदे पिंड खुडे जिथे असी तुहानू दर्शन करावे गुरु सर खुडे दे ते नाल ही देवे इस बारे जानकारी। आजो चलते हाँ तो करते हाँ दर्शन गुरु सर खुडे दे। मारिया शिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया, अज संगतां दर्शन कर रही ने डेरा गुरु सर खुडा जो कि निर्मल संप्रदाय का हिस्सा है। निर्मल संप्रदाय सिख संतान की एक संप्रदाय है। निर्मल का अर्थ है दाग तब्बे तो रहित, अज्ञानता तो रहित ते शुद्ध चरित्र। श्री गुरु नानक देव जी नू इस संप्रदाय का मोढ़ी मनते हैं। उन्हें उदासियां समय अपना मत निर्मल ही दसिया, सो ये मत पहले नौ गुरुआं तक रहा जिन्हां दी बाणी अंदर इस दा जिक्र आउंदा है। परंतु नौ गुरुआं दे शांतिमई प्रचार दे 203 साल बाद दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी ने इस संप्रदाय दा विधि विधि तरीके नाल नामकरण ते संचालन दा तरीका निर्धारित किया। जिस समय गुरु जी पौंटा साहिब गए उत्थे कुछ जोधे शास्त्र विद्या दा अभ्यास कर रहे सन, तां गुरु जी ने उन्हां नूं कहा केवल शास्त्र विद्या विच ही ना लगे रहो, कोई शास्त्र पढ़न दा भी उपराला करो। जिस मगरों पंडित रघुनाथ जी नूं इह कम सौंपिया गया, पर उन्हां कुछ समय बाद इह कह के मना कर दिता कि कीर्ति श्रेणी ते शूद्र वर्ण नूं पढ़न दा अधिकार नहीं है। इस दा पता जिस समय दशमेश पिता जी नूं लगा तां उन्हां कुछ विद्यार्थियों नूं भगवे वस्त्र धारण करवा बनास भेजिया, जिन्हां विच राम सिंह, वीर सिंह, करम सिंह, गंडा सिंह ते सेवा सिंह। इन्हां ग्रंथां दा ज्ञान प्राप्त कीता ते वापस आ आनंदपुर होर नौजवानों नूं पढ़ाउण दी सेवा शुरू कीती। इस संप्रदाय ने खास करके काले दिनां अंदर सिक्खी दा प्रचार कीता ते गुरदामां दी सेवा संभाल कीती। इह महापुरख जिथे लोकां नूं विद्या पढ़ा प्रभु सिमरन नाल जोड़दे, उत्थे ही समाज दी सेवा ते खुद उत्तम कर्म करदे जीवन बतीत करदे। निर्मल संप्रदाय अगे दो अंगां विच वंडी गई। जो चिट्टे रंग दे वस्त्र पाउंदे ओ ज्ञानी कहलाउण लगे, ओ गृहस्थ जीवन बिताउंदे हन। जो भगवे रंग दे वस्त्र धारण करदे ओ गृहस्थ ते ब्रह्मगम दोनों ही जीवन बिताउंदे, उन्हां नूं निर्मल कहा जांदा है। सिख धर्म का प्रचार करदे निर्मले संत पूरे भारत अंदर फैल गए, जिन्हां विच इस संप्रदाय दे संत बाबा बूटा सिंह जी ने पिंड खुडे दे लहिंदे पासे पानी दियां दो जोड़ियां ढाबां दे किनारे 1860 विच इस डेरे दी स्थापना कीती। मौजूदा समय विच इस दा प्रबंध प्रधान प्राचीन निर्मल महामंडल संत बाबा तेजा सिंह जी द्वारा बहुत ही वधिया तरीके नाल चल रहा है, जिथे आप जी एक उग्गे विद्वान सिख प्रचारक ते समाज सेवी ने, उत्थे ही आप जी वातावरण प्रेमी ते आयुर्वेद दे विद्वान ने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दास का नाम संत तेजा सिंह है। तेरा गुरु सर खुडा जौड़िया ढाबा धर्मशाला का इस वेले मैं मुखी हाँ। इस तों पहला चार महापुरश होए ने जिन्होंने इस डेरे की संस्थापना की, संत बाबा बूटा सिंह जी लगभग 1850 और 1860 के दरम्यान इस स्थान की स्थापना हुई। उस तो बाद संत बाबा हीरा सिंह जी आए, वो उन्हों तो बाद उन्होंने दो चेले संत बाबा हमीर सिंह जी जिन्होंने इस स्थान की सेवा की, संत बाबा गणेशा सिंह जी ने अमृतसर, और संसार प्रसिद्ध हिस्टोरियन वैदिक और निर्मल पंचायत अखाड़े के वो 20 साल सैकटरी उन्होंने उन्होंने एन स्टेबल किया अखाड़े जानी उन्होंने, तो महाराजा पटियाले के दरबार में भी वो बहुत सारे रेंदे रहे। उस तो बाद संत बाबा महाराज मेरे गुरुदेव महंत लाल सिंह जी इस स्थान के डेरा अंतरजामी स्थान के महंत बने। दास 5 साल पंजवीं जमात करके अपने घर तो 11 साल की उम्र महाराज को 1959-60 में आया सी, और इतें बैठ के मैं अप टू एम ए तक रैगूलर स्टडी की। एम ए 1974-75 मैं गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी तो की, लाजपत खालसा कॉलेज जलंधर तो, और BA पहला मैं गवर्नमेंट कॉलेज टांडे तो करके पंजाब यूनीवर्सिटी चंडीगढ़ नाल संबंधित सी।
और इस तरह ज्ञानी क्लास पास की और आयुर्वैदिक और संगीत और वेदांत दे पाखा पुस्तक दे जिन्ने भी वेदांत दे पुस्तक सी सिख इतिहास की हिस्ट्री सी श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का अध्ययन सी रामायण महाभारत चाणक्य नीति और बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ जो पाखा के संबंध से गुरुदेव जी ने मैंने पढ़ाए और लगभग मैं 29 साल गुरु जी की शरण च रह के पढ़ता रहा और 1985 तो लैकर के हूँ तक मैं इस डेरे की संभाल कर रहा। मेरे को हर समय 10-15 विद्यार्थी रहिंदे है जेडे LKG UKG तो लैके MA तक डिग्री तक और जेडे डिप्लोमे या ITI दियाँ डिप्लोमे वो लेंदे ने अपने अपने फिर कामां च प्रवृत्त होकर करन जांदे ने। दूसरे विद्यार्थी वो ने जेडे सवेरे अमृत वेले सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी का संथा नाल पाठ करते हैं। कुछ विद्यार्थी तीजे नंबर च ने वो जेडे भाखा वेदांत ते पुस्तक पढ़ते हैं और उन्होंने ये विद्या जी है डेरे वालों फ्री और कपड़ा बस्तर दवा दारू किताब कापी फीस सारा कुछ दे के करवाई जाती है। संसार के जितने भी समाजिक कामों में जिमें गरीब गुरबे लड़के की शादियों से योगदान पाना या जोड़े यात्रु ने उन्होंने ठहरा और आयुर्वैदिक पैथी की फ्री दवाई जी है वो लगातार रोज़ 2 घंटे बननी जिते विद्या का लंगर चलता उत्थे ये दवाइया का लंगर भी और दूसरा लंगर जोड़ा महाराज का वह भी इतने लगातार कंटिन्यू चलता है। असी हर जड़ी कोई भी कौम नाल या देश नाल या अकाल तख्त का कोई भी आदेश हुक्म आता असं उस अनुसार जोड़ा निर्मल संप्रदाय के नियमों पालन करते हुए असी उन्हों हर वक्त संबंधित रहने और जड़िया मौजूदा घटनावान चलदिया ने उन्होंने भी असी मुड़े ना मुड़े जुड़ के तुरद असी दसा नौहान की किरत कमाई करने बंड छकन नाम जपन गुरु नानक देव सिद्धांत के हामी हाँ। इसलिए असी बहुता सारा खेतीबाड़ी का काम आबादी करके देश के लिए अपने लिए अन्न पैदा करते हैं और उसनों वंड के छकते हैं और छकन तो बाद फिर नाम की प्रवृत्ति जो लोगों जोड़ते हैं। तो इस तरह एक विद्या का बहुत वधिया स्थान है विद्या देने लई इस आधार के उत्ते एक LKG UKG तो लैकर के 10वीं तक मॉडल स्कूल चल रहा जिहड़ा फ्री दे बराबर ही है यानी दूसरे जिहड़े प्राइवेट स्कूल है उन्होंने बनिस्बत एक किस्म की फ्री एजुकेशन दे रहा। बाकी जिस तरह बेई दे उत्ते पुल बनाउणा अखा दे कैंप लाउणे मैडिकल कैंप लाउणे वो लगातार इस स्थान वालों चलते आ रहे हैं। 2-3 जगह के गैप रस्ते जोड़ते पिंडां नूं बनाने यानी वो काम जिहड़े लोगों के हित विच होण लोगों की भलाई च होण लोगों के लोगों नूं उन्हां चीज़ों तो सुख होवे वो असी इस डेरे वालों हर वक्त करने तैयार रहने हैं। जिवें गौरमेंट स्कूलों की हालात जिहड़ी है हुण ते कुछ ग्रांटां आ रही ने पहले समय में गवर्नमेंट स्कूलों के हालात बहुत खराब सन। इन स्कूलों में आलमपुर के स्कूल में 2 कमरे बनाए डूंगा बोर कराया और पानी बच्चों पीने लिए दिता। इस तरह संसारपुर पिंड स्कूल का कमरा बनाया। इस तरह गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल खुडे में और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुडे में पिछले साल 3 कमरे जोड़े से डेयरी के वो ला बनाए गए। दूसरा कलयुग का प्रभाव है तुम बहुता मेरे ख्याल में जिस जिस धर्म ना भी तुम संबंध रखते हो मैं संगत को बेनती करांगा कि वो जे हिंदू मत नाल संबंध रखते तो मंदिर च जाण गायत्री का पाठ करन और भगवान का सिमरन करन। सिख पंथ में साडा श्रोमणी साडा मुख साडा इष्ट गुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी है और उहदी गुरु ग्रंथ साहिब की शरण में जा करके पाठ पूजा करन परबत दे भले की अरदास करन और अपने जीवन च भी सुख की प्राप्ति करन। तो मैं इन्ना संदेश देना चाहुंदा और जिहड़ा संसार विच अजकल बहुत ज़्यादा ईरखा झगड़ा वकीली चल रहा जदों तुसीं गुरमत लाइन च आओगे गुरमुख बनोगे तो यह झगड़े तुहाडे भी अपने आप मिट जाणगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह।
वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मारिया सिक्का जगत विच, नानक निर्मल पंथ चलाया। महाराज की अपार बख्शिश आ जिहड़ी संतां दी संगत दास नूं प्राप्त हुई। दास गुरप्रीत सिंह दास 14 साल पहला 14 साल इंग्लैंड विच भी रहा, उत्थे भी कुछ पढ़ाई कीती, मुड़ के इत्थे संगतां दी जो पहचान हुई संगतां नाल, ये वातावरण दे नाल बड़े प्रेमी हैं। ये तुसीं आ के देखिया ही होएगा कि देखो किन्नी हरियाली है आले दुआले। तो महाराज की बेअंत कृपा होण करके होर भी संगतां इत्थों लाह लैंदियां हन, तो बेअंत सिखां नूं बच्चों नूं ये पढ़ा रहे हैं। दास भी इन्हां कोल भाखा दे ग्रंथ पढ़ रहा है। इत्थे आण के भावर सामृत अते विचार सागर की संथ्या हुणे समाप्त हुई है। सो अगां एक दो होर ग्रंथ पढ़ने हैं इन्हां पासों, तो महाराज की कृपा रही इस तरह ही ये पढ़ ले जाएंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो ये स्थान है कम से कम 200-250 साल पुराना है, निर्मल संपर्दा का स्थान है। इस स्थान के उत्ते संत बाबा तेजा सिंह जी सेवा कर रहे हैं और गरीब विद्यार्थी बच्चे पढ़ रहे हैं। ये हुण तो नहीं, 4 महापुरश पहला हुए ने, संत बाबा लाल सिंह जी 4th महापुरश हुए ने, 5वीं जगह पर मौजूद ने महापुरश। और इतने विद्या बच्चों गरीब घर के बच्चे जोड़े नहीं पढ़ सकते और कोई नहीं है उन्होंने, किसी की माँ है नहीं, किसी का प्यो है नहीं गा, उन्होंने फ्री विद्या पढ़ाई जाती है। इस गुरुद्वारे वालों साल के तकरीबन 6-7 प्रोग्राम होंगे ने, जिस तरह माघी का मेला महापुरशों की बरसी होंगी है, फिर विसाखी का दिहाड़ा मनाया जाता है। और जो ये बिल्डिंग बनी हुई हैगी है गुरुद्वारा साहब की, ये 1999 तैयार की गई है, उद्घाटन 1999 किया गया सी। और संगत आदियां ने सेवा कर दियां ने, रहन वास्ते बहुत बड़ा प्रबंध है, पिछे बने हुए कमरे है, बाथरूम अटैच वधिया, मतलब रहन वास्ते रिहायश है। और डंगर पानी अपनी खेती करते ने, धन धन गुरु नानक देव जी महाराज से किरत करो, नाम जपो, वंड छको दे उपदेश से ही महापुरश काम कर रहे ने। जिस तरह गैप बनाने, स्कूल दे विच कमरे बनाने और पुला पुल बनाने, ये सारे महापुरश आप ही संगतां नाल लैके संगतां दे सहयोग नाल आप करते आ रहे ने। और सब तो वड्डी इत्थे जो मेन गल है, विद्यार्थी महापुरश आप भी उन्होंने विद्या पढ़ाते हैं, महाराज की संथ्या देंदे ने, भाखा दे ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं। और सब तो वड्डी जिहड़ी गल हैगी है स्कूल की विद्या, जो स्कूल की विद्या महापुरश पढ़ाते हैं, कोई जिन्ना मर्जी पढ़ लवे, MA करे, BA करे, PhD करे। और संगीत की विद्या रेगुलर दी जाती है, सवेरे क्लास लगती है, कोई संगीत सीख लवे। फिर आयुर्वैदिक की विद्या और डेरे दे विच सवेरे संथ्या महाराज जी खुद आप देंदे है, तड़के 6 बजे साड़ी क्लास लगती है और 6 बजे तो ला के 8 बजे तकर पहले स्कूल वाले जिहड़े विद्यार्थी उन्होंने क्लास लगेगी, फिर जिहड़े कथा सीखते हैं, कीर्तन सीखते हैं, उन्होंने क्लास बाद दे विच लगती है। और महापुरशों वालों ये बहुत बड़ा उपराला, मैं समझदा विद्या ही एक बहुत बड़ा उपराला सेवा है। ये असी IIM गुरप्रीत सिंह यूट्यूब वाले का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये जंग एज दे विच ही इतना बड़ा उपराला कर रहे हैं। क्योंकि अजकल बच्चे जो है नशे दे विच पए हुए ने, कोई नशा करता, कोई करता, सरकारां भी इस पासे लाई जांदियां बच्चों। तो गुरप्रीत सिंह जी का बहुत बड़ा उपराला है जिहड़ा इस पासे जोड़ रहे संगतां नूं, इतिहास बारे दस रहे हैं। और अज डेरा गुरसर खुड्डा विखे कवरिंग करन आए हैं, असीं इन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज असीं जानकारी प्राप्त की डेरा गुरसर खुड्डे बारे, उम्मीद करता हाँ आप जी नूं पसंद आएगी। वीडियो बनाते समय कई बार शब्दों का गलत उच्चारण हो जाता है, उत्थे ही इतिहास नूं दसदे कई बार गलती लग जाती है, इसलिए मैं समूह संगत तो माफ़ी मंगता हाँ। उम्मीद करता हाँ आप जी ने पसंद आएगी। तुसी साडे वीडियो हेठा अपने कीमती विचार दिओ, साडी वीडियो नू शेयर करो, लाइक करो। धन्यवाद।